हेलो एवरीवन, क्लास एट जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम था उन बच्चों का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। किन लोगों के लिए बेटा? जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है। मेरा पर्पज़ बस यही है इस वीडियो को बनाने का, जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस पेपर को देखेंगे सभी बच्चे और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपठित गद्यांश से रिलेटेड है। आपके इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और यहीं से ढूंढ कर आंसर्स को लिखना है। वैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि श्री राम है कम हत्वा प्रत्यागच्छत, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको सिंपल है कि देखो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ कीवर्ड्स पकड़ लीजिए, इन कीवर्ड्स को ढूंढना स्टार्ट करिए उस पैसेज के अंदर से। यहाँ पे प्रत्यागच्छत, हत्वा ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आपको पैसेज में चेक करना है कि कहाँ पर ये वर्ड्स आ रखे हैं। तो आपने देखा कि भाई देखो यहाँ पर लिखा है श्री राम रावणम हत्वा सीतेहा लक्ष्मणी च सह अयोध्या प्रत्यागच्छत, तो आपको यहाँ से टिक करना है आंसर। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अंधकार है के नश्यते, इसका आंसर भी आपको यहां पे मिल जाएगा। देखो यहां पे लिखा था इसका आंसर, ये देखो यहां लिखा है, देखो दीप प्रकाश है अंधकार है नश्यते लिखा है ना यहाँ पे, तो दीप प्रकाश है आंसर आएगा आपका। क्या आएगा बेटा? दीप प्रकाश है आंसर आएगा। उसके बाद में संध्या काले जनहा कान प्रज्वलंती, तो संध्या काल में जो जो लोग हैं वो क्या जलाते हैं, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। देखो ये लिखा है संध्या काले सर्वे जना दीपान प्रज्वलयंती लिखा है ना, तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे इसका आंसर क्या, दीपान, ठीक है। दीपान दीपोत्सव कदा मन्यते, तो यहाँ पे इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ देखो लिखा हुआ है, यहाँ देखो अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्याम मान्यते लिखा है ना, तो आपको इस तरीके से अपने आंसर्स को ढूंढना है पैसेज के अंदर। आपको पैसेज के अंदर सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फिर बोल रहे हैं अयोध्या वासिनः प्रसन्नो भूत्वा किम अकुर्वन, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये देखो यहाँ पे लिखा है अयोध्या वासिनः प्रसन्ना भूत्वा संपूर्ण राज्यम दीपानाम माला भी अलोकयन, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर मिल जाएगा। एंड उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दीपानाम प्रकाशे सह किम भवती, तो यहाँ से आप लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि दीपा नाम प्रकाश है सह स्फोटक का नाम विस्फोटनम मनोरंजकम आकर्षम च भवति, ठीक है। तो आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे कुछ व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं कि रात्रो लक्ष्मी पूजनपि क्रियते अत्र अव्यय पदम किम, तो देखो बेटा अव्यय पद जो है वो आपको पता होने चाहिए। से अपि होता है, अपि एक अव्यय पद है, च है, अपि का मतलब भी होता है, च का मतलब और होता है, तो ये सारे क्या है, अव्यय पद है। तो यहाँ पर ना ये देखो लक्ष्मी पूजनपि लिखा है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अपि जो है वो वर्ड छुपा हुआ है इसके अंदर, तो अपि का मतलब होता है भी, तो अपि क्या है, अव्यय पद है, तो आपको यहाँ पे ये मार्क करना है। फिर बोल रहे हैं सर्वे जना तुष्यन्ति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, देखो जैसे कि आपके हिंदी में क्रियापद होते हैं, क्रिया क्या होती है, जो काम हम करते हैं वो क्रिया होती है ना, तो इसी तरीके से आपको संस्कृत में भी कुछ क्रियापद मिलेंगे। ऐसे लिखा है सर्वे जना तुष्यन्ति लिखा है ना यहाँ पे, तुष्यन्ति का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रियापद है वो तुष्यन्ति होगा, तो यहाँ पे तुष्यन्ति लगाएंगे। फिर बोला जा रहा है श्रीराम अयोध्याम प्रत्यागच्छत अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम, देखो कृत पदम का मतलब ऐसे हिंदी में कर्ता पद होता है, कर्ता क्या होता है, जो काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से संस्कृत में भी जो काम कर रहा है उसे कर्ता पद बोलते हैं। जैसे यहाँ बोला है श्री राम अयोध्याम प्रत्यागच्छत, तो यहाँ पे श्री राम जो है वो कर्ता है, काम करने वाले कौन है, श्री राम, तो यहाँ पे श्री राम आप लिखेंगे। फिर बोल रहे हैं अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत, तो आपके भी एग्ज़ाम में कोई अगर आता है पैसेज तो उसका आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना पड़ेगा उसके लिए, तो आप लोग शीर्षक किस हिसाब से लिखेंगे। देखो यहाँ पे तो दीपावली के बारे में दिया है, तो मुझे फर्स्ट लाइन में मिल गया दीपोत्सव है, दीपोत्सव है, ये आपका जो है वो शीर्षक आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम में भी जो भी पैसेज आता है, जो भी अपठित गद्यांश आएगा, आपको उसे पढ़ना है और एक उपयुक्त कोई भी वर्ड जो आपको लग रहा है कि पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो शीर्षक आप देकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस चित्र से रिलेटेड है। आपको 5 वाक्य बनाने थे या फिर अस्माकम भारतवर्ष है इसके ऊपर 4 वाक्य लिखने थे, तो आपको इसे प्रिपेयर करना है। इस तरह से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
फिर आपके पास में ये पदानाम मेलम कृत्वा वाक्यानि रचयते। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए थे, मैंने आप लोगों को कल टिक भी करवाए थे जिस वीडियो को मैंने कवर किया था, अगर बच्चों ने देखी होगी वो वीडियो तो पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के ही हैं। तो आपको करना क्या है बेटा, क्या करना है, इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो फर्स्ट का आंसर होगा पत्राणी वृक्षात पतंती, मतलब वृक्ष जो पत्ते हैं वो वृक्ष से गिर रहे हैं, तो यहाँ पे पत्राणी वृक्षात पतंती आएगा। फिर आएगा तुम ग्रामे निवसती, ठीक है, तुम गांव में रहते हो। शिक्षके सुधा खंडिन, सुधा खंडिन का मतलब होता है चौक से लिख रही है, ठीक है। और छात्रों पाठ्यम स्मृतय, जो बच्चे हैं वो पाठ को लर्न कर रहे हैं, स्मृतय मतलब लर्न कर रहे हैं, ठीक है। फिर खंड गा जो है उसमें आपको संधि विच्छेद भी मैंने आपको कराई थी बेटा, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो देखो यहाँ पे नगारोहणम लिखा हुआ है, तो आपको पता है जहां पर आ और आ मिलता है, मतलब छोटा आ और बड़ा मिलता है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा आ बन जाता है। तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, नग प्लस आरोहणम, नग में छोटा आ है और यहां पे बड़ा आ है ना, तो दोनों मिलकर आ का डंडा लगा देंगे ना हम यहां पर, तो ये बन जाएगा नग 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 और फिर छोटा आ और बड़ा मिलकर नगा नगा फिर रोहणम रोहणम। इस तरह से आपका जो संधि विच्छेद मतलब संधि जो है वो जुड़ के क्या बन जाएगा, नगारोहणम, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये भी संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, बोल रहे हैं यदा हम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामी, तो देखो यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पे क्या है बेटा, बड़ा आ, छोटी ई और आ मिलके या बनता है, ये हमने पढ़ा था कल जो वीडियो मैंने कवर की थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रत्या मतलब छोटी ई और आ मिलके या, तो प्रत आधा ता और या, मतलब ये जो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, या और गमिष्यामी, तो ये जो ई और आ मिलके क्या बन गया, या बन गया, तो यहाँ पे आएगा आपका प्रत्यागमिष्यामी, ठीक है। फिर यथेष्टम जलम नियत, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यथेष्टम मतलब यथा प्लस इष्टम, मतलब आ और ई मिलके क्या बन जाएगा, ए, तो यथा प्लस इष्टम आएगा, आ और ई मिलके ए बन जाएगा, तो एक ही मात्रा लगा दी ना हमने इसके ऊपर, तो यथेष्टम हो जाएगा, ठीक है। फिर जल उद्धरणम का क्या हो जाएगा बेटा, छोटा आ यहाँ से और इधर से उ, तो छोटा आ और उ मिलके हो जाएगा ओ, तो जलोद्धरणम आएगा, ला आ और उ मिलके ओ की मात्रा लगानी है, फिर जलोद्धरणम, ये आ जाएगा आपका संधि विच्छेद, सर्च करना है आपको। फिर ये जो है बेटा वो आप लोगों को तुमुन और कत्वा, ये जो आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में ये दोनों प्रत्यय आपको दे रखे हैं, चैप्टर्स के पीछे दिए हुए हैं, आप लोग अपनी एन के लिए तुमुन के लिए बेटा आप लोगों को पेज नंबर है आपका कौन सा, पेज नंबर है 19 पे मिल जाएगा। 19 पे देखो ये लिखा है ना, क्रा प्लस तुमुन, ये सारे के सारे जितने भी प्रत्यय हैं आपको तुमुन से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 19 पे। और जो कत्वा है या फिर और भी अगर आप देख लेना यहाँ पे जो दिए हुए हैं, पेज नंबर कौन सा है, 122 है ये पेज नंबर, यहाँ पे आपको कत्वा और तुमुन और त्यज, ये लयप जो है, ये जो सारे के सारे जो प्रत्यय हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप इनको पढ़ कर जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर इनके एग्ज़ाम में प्रत्यय आ रखे हैं तो ऑब्वियस है जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम में भी प्रत्यय आएंगे, तो आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका देखो बेटा ये हो गया, उसके बाद में ये जो दिया था क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको कल टिक करवाया था। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर है वो जाएगा विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, तो पुरतः का मतलब होता है सामने, ठीक है। और यथा राजा तथा प्रजा, ये भी क्या है, अव्यय है, सदा भगवंतम भज, सदा ही भगवान का भजन करना चाहिए। वयम अपि तत्र गमिष्यामि, हम भी, वयम का मतलब अहम आवाम, वयम मतलब हम सभी भी वहाँ जाएंगे, तो अपि का मतलब भी होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको बेटा कराया था, जिन लोगों को मैंने बोला था कि भाई उपपद विभक्ति युक्तम, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कल समझाया था और ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखकर क्वेश्चंस मतलब वो उसकी प्रैक्टिस की होगी तो उनको पता होगा, ये मैंने आपको कल बताए थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, परितः है, सह, अलम, नम है, और इसके पहले भी था एक अभितः, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल, ये जो मैंने आपको टॉपिक है वो कल बताया था, और प्रति, तो यही इसी से रिलेटेड ये जो पूछे गए थे आपसे। तो पहला जो क्वेश्चन है,
फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा शिक्षिकायम, शिक्षिकाय, अहम विद्यालम आएगा, फिर कृष्ण कंसाय आएगा, कंसाय अलम, और ग्रामम अभितः वृक्ष है संति, तो यहाँ पे ग्रामम आएगा, ठीक है। फिर आया था आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बेटा मैंने बताया था मुनि, नदी, साधु, ठीक है, ये सबके रूप जो हैं, और मति, ठीक है, ये सबके रूप आप लोग करके जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको देखो सबसे अच्छी बात क्या है, मुनि देखो लिखा हुआ है, मुनि यूज़ करना है आपको, और साथ में देवी रखा है, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए और बहुवचन होना चाहिए, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बहुवचन, तो आप लोग मुनि के रूप जो है करके जाएंगे, तो मुनि नाम होता है यहाँ पे, मुनि नाम आएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, क्या होगा मुनि नाम। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं नदी सप्तमी विभक्ति बहुवचन, मतलब यहाँ पे क्या आएगा नदीशु। फिर आएगा आपका मतीम, मतीम मतलब ये जो दिखा ना मति द्वितीय विभक्ति और एक वचन, तो मतीम आएगा यहाँ पर। उसके बाद में साधु प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो क्या आएगा साधु है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम के लिए भी इन रूप को करके जाएंगे बेटा, और मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से रूप आपको कर रहे हैं, कौन कौन से रूप आपके एग्ज़ाम में हैं। याद रखो जितने भी पुल्लिंग के होते हैं रूप, वो सब एक तरह से चलते हैं, स्त्रीलिंग वाले सब एक तरह से चलते हैं, ऐसे ही नपुंसक लिंग के भी सभी एक तरह से चलते हैं। तो आप एक पुल्लिंग का कर लो, एक नपुंसक लिंग का कर लो, एक स्त्रीलिंग का कर लो, तो सारे रूप एक जैसे ही चलते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो खा वाला पार्ट है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये लिखा है वस जो है वस, वस धातु लट लकार, तो यहाँ पे क्या आएगा वसति आएगा, छात्र छात्रवासे एव वसति स्म, वसति इस पे वस, वस धातु लट लकार, छात्र है तो यहाँ पे मतलब एक छात्र की बात हो रही तो वसति आएगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा होता छात्र छात्रा ऐसे लिखा होता यहाँ पर तो वसंती आता, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन में पिबेयम आएगा यहाँ पर, पिबेयम। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका आसीत आएगा, लिखा भी है साथ में, अस धातु लट लकार और पा धातु विधिलिंग लकार, ठीक है, विधिलिंग लकार। और यहाँ पे देखो लिखा है पठ धातु लंग लकार, तो लंग लकार में अपठ अपठताम ऐसे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो पठ धातु लंग लकार है तो वयम दिया है ना यहाँ पे वयम, तो अहम आवाम वयम, तो मतलब अपठाम आएगा, अपठाम, ठीक है। तो इस तरह से करना है आप लोगों को क्वेश्चन। फिर आपके पास में ये भी एक पैसेज आपको दे रखा था, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। देखो ऐसे पैसेज भी आपके एग्जाम में आएंगे, मैं आपके साथ में अब पैसेज नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों का अलग आया है, आपका अलग आएगा। बस ये देख लो किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं वो लोग। और मैंने कल आपको बताया था आप लोगों को कि श्लोक भी आएगा, तो आपके जो बुक है उसमें एक चैप्टर है आपका, जो कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कौन सा चैप्टर है, नीति नवनीतम के श्लोक कर लेना हिंदी में, क्योंकि आप जब तक श्लोक नहीं करेंगे आपको समझ में ही कैसे आएगा क्वेश्चन किस तरह से अटेंड करनी है। तो इसका शब्द मैंने, इसका अर्थ जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, तो ये जो है आप श्लोक को करके जाएंगे, क्योंकि अगर आपको इसके अर्थ पता होंगे तो आप इनके क्वेश्चन के आंसर भी आराम से दे पाएंगे। तो यहाँ से ठीक है ये श्लोक कर लेंगे, आप इनके एग्जाम में लास्ट वाला श्लोक आया था, तो हो सकता है आपके एग्जाम में कोई और श्लोक पूछ लें, बट होगा वही आएगा, ठीक है। फिर आपके पास में ये एक और पैसेज दिया था और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे आपसे, तो ऐसे करके जाएंगे आप लोग एग्ज़ाम के लिए। फिर आपसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी एक श्लोक दिया है, बट आपको पहले एक श्लोक दे दिया, फिर इन्होंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि यत कर्म डैश अस्य। अब देखो ये जो अस्य है इसके साथ में कुर्वतो लिखा है ना, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कुर्वतः है अस्य, ठीक है। फिर अंतर आत्मन है मतलब ये देखो क्या है अंतरात्मन है, फिर इसके साथ में क्या लिखा है परितोषो और स्यात लिखा है ना, तो अंतरात्मन ही फिर क्या आएगा परितोष है स्यात, ठीक है। फिर उसके बाद में तत् डैश कुर्वित, तो तत् फिर यहाँ पे क्या लिखा है बेटा प्रयत्नेन लिखा है ना, तत् प्रयत्नेन कुर्वित, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका प्रयत्नेन, ठीक है। फिर उसके बाद में विपरीतिम तुम डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा विपरीतिम तू वर्जयेत, तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर हो जाएगा वर्जयेत, ठीक है। और इसके बाद में विलोम शब्द भी मैंने कल आपको समझाए थे, तो वही आया हुआ है बेटा, म्रियेत का क्या होता है जायते, पलायते का आगच्छति होता है, भीति का साहस है। तो इस तरह से आपका जो पूरा पेपर है वो आया है, जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है अपने पेपर के लिए, पेपर को अच्छे से बेटा अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।